चलिए जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रोविंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल चूंकि अनडिवाइडेड बंगाल का वेस्टर्न रीजन था, इसलिए इंडिया के ईस्ट में होने के बावजूद इसका नाम वेस्ट बंगाल है। पॉलिटिकली ये बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, सिक्किम, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और ट्रॉफी ऑफ कैंसर भी इस राज्य से पास करती है। इस राज्य से टोटल 42 लोकसभा, 16 राज्यसभा और 294 असेंबली मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न राज्य से कनेक्ट करने वाला इकलौता रास्ता है। इस सेंसिटिव इलाके को चिकन स्नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या महानंदा कॉरिडोर भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास हिमालयस भी है और कोस्ट लाइन भी है। संदाकपू यहाँ की हाईएस्ट पीक। वेस्ट बंगाल में बुक्सा पास भी है जो इंडिया को भूटान से कनेक्ट करता है। गंगा, तीस्ता, महानंदा, सरोव बंगाल कह जाने वाली दामोदर, हुगली और सुवर्णरेखा यहाँ की इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। वेस्ट बंगाल में 6 नेशनल पार्क भी हैं, सिंगलेला, नेवरा वैली, बुक्सा, गोरुमारा, सुंदरबन और जलदबराम। इसके अलावा यहाँ 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 2 टाइगर और 2 रामसर साइट्स, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था और यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर किया। शुक्रिया।